सभी दोस्तों को नमस्कार, जन्मदिन वालों को जी हैप्पी बर्थडे। आज है जी बुधवार, क्योंकि कल हमारा ब्रह मंगलवार का, इसलिए आज बुध है। बाकी हम आज जी अपना सुबह सुबह खेत पे अपने रावण वाले टावर वाले पर, अब क्यों है वो दिखाते हैं तुम्हें। तो चलाया हमने पानी, वो आ रहा सामने से लहराता हुआ सांप की तरह। अभी पूरे जंगल को बनना है हमें, कल सुबह तक भर पाएगा सहरा। दिन में इनमें चलवाएंगे, पहले से भरेंगे उसके बाद ही से भरेंगे। बाकी जी सूर्य देवता भी पधारे नहीं है, कोई नामो निशान भी हल्का सा ही दिखाई दे रहा। हालांकि बादल हैं और पुरवाई चल रही है बहुत तेज, मस्त हवा चल रही है। देखो पत्ते बता रहे हैं। ट्यूबवेल तो चल लिया जी, धक्का चेक करना है दोबारा, थोड़ा सा चढ़ के चल जा रहा पाइप की वजह से पानी। बाकी देखो हवा कितनी बढ़िया चल रही है इस टाइम। ये खड़ा वाहन अपना मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। नहान हो गए तो ये नहान हो गए और नाश्ता करके पहुंच के फिर हम अपने खेत पर गांव वाले पे। धानों में को पानी चलाने का सोचे जरा, पहले तो चला पाते नहीं चला पाते, वो देखने बाद में। तो ये ट्यूबवेल पे पहुंचे, चला कर देखा तो लाइट नहीं आ रही है, और लाइट हवा की वजह से नहीं आ रही। मैंने फ़ोन करके देख लिया रखेड़े में बिजली घर में, तो वो कह रहे आज ही 11 बजे के बाद आएगी, अभी जो है हवा चल रही है तेज। और 12 बजे इंटरनेट के हिसाब से बारिश दिखा रहा, यहाँ 50% की बारिश हो सकती है। बादल को देख कर तो लग नहीं रहा कि दूर दूर तक बारिश होगी, लेकिन हवा कह रही है कुछ भी हो सकता है, ज्यादा देर में घटा उठ जावा, इतनी तेज हवा चल रही है। तो फिर 11 बजे के बाद ही देखा जाएगा क्या हो सकता है। धानों में पानी है तो, पर जहाँ तक कम हो गया, अब चटकी खा जाएगी ना तो वो फट जाएंगी दरारे सी, खुशक हो जाएगा तो कतई खेत। बाकी जी ऊपर वाले खेत को और देख चलें, कभी जुताव हो गया हो। खेत तो जी सफेद हो गया, जुतने लायक। समय तो गन्ना रहेगा सीधा, अब जिस जो इतना ब्यांत करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा जी। इस गन्ने में तो हैवी 85 हो, पता नहीं इसमें भी कोई रोग है क्या, पत्ते इसके भी सूख रहे हैं। इसमें कोई दोरा ना जी, जमीन तो हमने काफ़ी हद तक बीमार करी दी पेस्टिसाइड लगा लगा के। तो ये घर आ गए, चेंज कर ली ड्रेस यो। अब ये सोच रहा हूँ मैं एक ज्योति आऊँ, वो कोई फायदा ना खुश हो जाए, और जरा मैं बूंदाबादी पड़ गई तो फिर डिल हो जाएगा मामला। तो चल के अब इसे निपटाई। Thank you.
तो जी पहुंच गए ग्राउंड जीरो पे। और ये जरा दो चार आमी उमी गिर गई हैं, जरा इन्हें बीन ले मैं, तो ये भी बेकार मट्टी मिल जाएंगी। आज कोई बारह आया नहीं है ना, तो सबको ले जाता है ना बीन मान के अब तक। तो जी अब करते हैं शुरू जुताई, कानों में लगाएंगे ईयरफोन और सुनेंगे गाने। ट्रैक्टर की आवाज़ सुनने तो बेहतर गाने सुने जाओ, पीछे ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे चलाना पड़ेगा ट्रैक्टर वगैरह। ये थोड़ा है तो भी ही जाए तो भी जाए। तो जी खेत तो दिया मैंने जो दियो, पर तिकोने खेत का था बहुत ज़्यादा दिक्कत का विषय है जोतने का। ये वाली गूलत इधर की तो बहुत तोड़ी थी, लग रहा है ट्रैक्टर ने बार बार घूमे ना, सीधे सीधे जाए कोई दिक्कत ही ना, रास्ता का लेवल में होता तो कभी ना टूट जाए, टूट जाए टूटती, फिर तो मैं गूला सहरी आर पार लगाता। चल रहे हैं जी, लाइट तो आ गई, 10 बजे आ गई और हवा प्रचंड भी बहुत तेज चल रही है, बिजली वालों को मेरे भैया सब नहाता है। चलो के ट्यूबवेल ही चला देंगे अब। तो ये ट्यूबवेल तो दिया हमने चलाओ 10:15 बजे, तो ऊपर वाला खेत जोतना चल गया, वो ट्रैक्टर वो पड़ा सामने, क्या पहले ट्यूबवेल चला दूंगा। फोन करा बिंदु, वो ही खोद रहा मजदूरी पे किसी 400 रुपये उम्र लगाई के, 500 रुपये खुदाई। तो जी खुरपिया का एक बोल्ट टूट गया, इसका पीछे जोड़ गया रास्ते में वहाँ, और इसका कुछ टेम्परेरी जोड़ करना पड़ेगा फिलहाल। तो जी खींच दिया आज में वो बोल्ट, पड़ा है इसकी डिग्गी में, अब पहले इधर की 3 गुला जोत दूँ, उसके बाद इसकी एक हल्की सेटिंग करेंगे ताकि बीच का भी जुट जाए। तो जब इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये हटा के इधर लगाता हूँ, थोड़ा देखो जाएगा, पूरा खोल दूँगा क्योंकि इसमें बीच में एक गूल ना आना यहाँ से, तो बीच का जो गैप है वो यो जुट जाएगा। कर लूँ इसकी सेटिंग पहले, यो भी सरकाना पड़ सकता है उधर, फिर पूरे हल्कू इधर कर दूँगा, देखता हूँ फिर कर लूँगा। तो जी इसकी सेटिंग यो करिए, इधर सरकार है वो, और ये खोल दिया पूरा, ये लगभग लगभग इतना बीच का ये रह गई एक, अब इसमें इसे फैलाऊंगा तो ये उम्र उखेड़ देगा, इसमें बीच वाले में सिस्टम है नहीं है खिसकाने का। इस मामले में वो वाले सही रहे हैं, जिनके कपलिंग है ना वैसी वाली क्लिप रैम है वो वाले सही रहे, ताकि मैं एडजस्ट कर लूँ। थोड़ी बहुत तो ये घास रहेगी, करें जुताई दोपहर हो रही लगातार। तो जी खेत तो गया है, जुताई मतलब जोत दिया, अब चल रहे हैं ट्रैक्टर घेरा खड़ी है ये, तुम खड़ी हो बताओ पहले, तो उबले अगर रास्ते में मिलेंगे तो मैं इन्हें फोड़ दूंगा, पहले बता रहे हो कभी फिर कर लड़ो, तुम्हारे ना तो भैंस के होंगे। डेरानी है
तो जी टाइम हो रहा है 4:15 का, जो ट्यूबवेल सुबह चला गए हैं वो उसके पानी देखने आया। हालांकि लाइट तो चली ना पूरे दिन भाग भाग का ही, तो अभी तो एक भी खेत में ना भरा वो पीछे वाला। अब जिम से आने के बाद आएंगे यहाँ को, फिर पानी करके जाएंगे रात का। अब चल रहे हैं वापसी। सीताराम की जय हो, हनुमान जी की भी जय हो। चीता भी आ गया। क्या रहा गाइस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम भी हो जाएगा। अरे ऐसे तो और भी होंगे यार, टिकटॉक भी तो है, टिकटॉक अरे ऐसे तो बहुत है यार, कहाँ तक नंगे नॉर्मल मैसेज। भाई हमने सरेंडर करा, अब हमें और याद नहीं आ रहे। यार ताकड़ी यही समाप्त करी आप। तो ये पहुंच गए जिम पे, चाय भी लानी पड़ी, फिर खोलना है, करेंगे एक्सरसाइज। बताओ कितनी मेहनत कर रहे हैं हम। तो ये वर्कआउट हो गया हमारा कम्प्लीट। जल्दी इतनी मूर्ति, इनकी मोटरसाइकिल नंबर नोट कर लो जी, और ट्रैफिक पुलिस को टैग कर दियो, इनका चलान होगा बिश्नोई का। है भाई जी बिल्कुल, कितने रुपये चलान करवाए, इनकी पीछे वालों की बेहतर होगा, इन्हें तो 10 मीटर के लिए भी मोटरसाइकिल चाहिए। तो जी जिम से चलेंगे, अब सीधे चलेंगे खेत पर। चलो भी खेत पर दिखा लाऊँ तो घुमा कर लाऊँ। चलो चलो क्या कितने आराम से चलो, भांग के भांग पियर लगेगा, भांग पियर लगेगा। अरे यार भांग जो है जड़ी बूटी है, ऐसा कैसे खत्म कर देंगे वो। तो जी पहुंच गए खेत पे सीधे, और जी ना फटाफट 3 उगलू भर दूं दिंदे वाले ही, पानी तो पूरा चढ़ गया भैया करके। तो ये चल रहा पानी इसमें को, बाकी आज के ब्लॉग की तो करते हैं यहीं पे समाप्ति। थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो फिर तो ब्लॉग बनेगा भी ना। बाकी आज का धारावाहिक का जो भी सुझाव हो आपका बताइए, जैसे भी है कमेंट जरूर करें करो, उससे पता चला है थोड़ी एंगेजमेंट भी बढ़ा है चैनल की। जो शुभचिंतक हैं हमारे वो शेयर भी करें, और लाइक वाइक भी करें, कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।